Let's go. सो ऑलराइट गाइस, अभी आप लोगों ने जो स्क्रीन पे स्टेटस वीडियो देखा, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ इसी तरीके की टिफी इफेक्ट वाला इंस्टाग्राम रील्स स्टेटस वीडियो बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो इस तरीके का इफेक्ट वाला स्टेटस वीडियो है वो इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। अगर आप लोग इस तरीके का खुद के फ़ोटो का स्टेटस वीडियो को बना के अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब पे, तो आपकी वीडियो जो है वायरल हो सकती है और आपकी वीडियोज़ पर काफ़ी अच्छे लाइक्स और व्यूज़ आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कुछ इस तरीके का स्टेटस वीडियो बनाना, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करना होगा और रील्स वाले आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोग को ऊपर साइड में आप कैमरा पे आप लोग जो है क्लिक कर देना। ये पहला मेरा ऑलरेडी पहले मैं कर रहा था, पहले मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ और ये मेरा कैमरा यहाँ पे चालू हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे नीचे इफेक्ट पे क्लिक करके और आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे टिफी, TIFFY टिफी आप लोग सर्च कर लीजिए और आप लोग को टिफी वाले इफेक्ट जो है आ जाएंगे। तो इसमें आप लोग जो सेकंड वाला इफेक्ट है उसको ले लीजिए और ये जो एक सेव वाला आइकन आ रहा है यहाँ पे आप लोग सेव वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो क्लिक कर देंगे ये वाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा ये इफेक्ट सेव हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पे इसको जो है डिसकनेक्ट करके आप लोग बैक हो जाइए। यहाँ पे मैं सही से सेव कर लेता हूँ, ये सेव नहीं हुआ, सेव कर लेता हूँ इसको। तो ये मेरा टिफी है, ये वाला इफेक्ट, तो ये ठीक है यहाँ पर हमारा। तो इसको मैं पीछे अपना हैंड लगा के आप लोग बैक साइड में आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए इसको, लगभग 7-8 मिनट की रिकॉर्डिंग। अब ये जो है नेक्स्ट करके एक एरो का आइकन ऊपर आप लोग को मिलता है, इसको सेव कर लीजिए अपने फ़ोन की गैलरी में। ठीक है, अब ये आप लोग की फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाता है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा वेट करेंगे और ये देख सकते हैं फ़ोन की गैलरी में ये इफेक्ट सेव हो चुका है। अब बैक हो जाइए आप लोग, डिस्कार्ड कीजिए। अब आप लोग यहाँ पे नीचे प्लस का आइकन आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और एक अपना जो फ़ोटो लगाना चाहता है वह अपना यहाँ पे फ़ोटो ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं कोई अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप लोग अपना फ़ोटो या किसी और बंदे का फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पिंटरेस्ट है ये फ़ोटो डाउनलोड किया है, तो मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ, ये प्रोसेसिंग होगा। अब ये जो फ़ोटो आ जाता है, दो फिंगर से आप लोग इसको जूम कर दीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए, ऊपर ऐड मिलता है। अब ये देख सकते हैं इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, अब ऊपर इफेक्ट मिलता है, इफेक्ट पे आप लोग क्लिक कीजिए ऊपर साइड में, तो और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ये इफेक्ट आप लोग को आ जाएगा। तो ये ऐड करके तभी आता है, ये देख सकते हैं मेरा इफेक्ट यहाँ आ चुका है और ये अप्लाई भी हो चुका है। डन कीजिए और एक एरो का आइकन आ रहा है, यहाँ पर एरो वाले आइकन पर आप लोग क्लिक कर दीजिए और ये वीडियो आप लोग की गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, इतना काम हो चुका है। अब आप लोग जो है VN एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो VN एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पे ओपन करेंगे और इसके बाद ऊपर साइड में एक स्किप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। नीचे प्लस का आइकन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। अब आप लोगों को जो है फर्स्ट क्लिप और सेकेंड क्लिप जो आपने सेव की थी उनको आप लोग यहाँ से उठा लीजिए, फर्स्ट सेकेंड, और एरो वाले नीचे आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ये आप लोग की वीडियो यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी और ये वीडियो आप लोग की एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे आ जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो आ चुकी है। सबसे पहले इसका जो ऑडियो रहता है, वॉल्यूम पे क्लिक करके आप लोग ऑडियो इसका बंद कर दीजिए। आगे आइए सेकंड क्लिप का भी, वॉल्यूम पे क्लिक करके ऑडियो बंद कर दीजिए। पीछे वाटरमार्क इसको आप लोग डिलीट कर दीजिए। अब आप लोग को इसमें जो है म्यूजिक डालना है, ऊपर आप लोग को एक टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, म्यूजिक पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और आप लोगों को यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिखता है, इधर साइड क्लिक कीजिए। एक्सट्रा फ्रॉम वीडियो पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और दोस्तों आप लोग की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोग वीडियो का जो ऑडियो है वो निकाल लीजिए। ठीक है, ओके क्लिक कीजिए और ये एक आप लोग को म्यूजिक मिल रहा है, इसी म्यूजिक की जो लिंक है मैं आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। मेरा ऑलरेडी ऐड है तो ये वाला जो म्यूजिक है यहाँ से मैं प्ले करके सुन सकता हूँ, फिलहाल मैंने ऑफ करके रखा है म्यूजिक। और इसी को म्यूजिक को आप लोग चूज़ पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और राइट कर दीजिए, म्यूजिक ऐड हो जाएगा। अब वीडियो को आप लोग यहाँ पे प्ले करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जहाँ से आप लोग की विड्थ शुरू होती है,
3 सेकंड से, तो 3 सेकंड से इसको आप लोग को यहाँ से पार्ट आगे का पार्ट कट कर देना होगा, ठीक है। स्प्लिट कीजिए और पीछे का पार्ट डिलीट कर दीजिए। ये सेकंड पार्ट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे जितना आप लोग की ऑडियो है उस हिसाब से रखेंगे। तो प्लस के आइकन पे पहले क्लिक कर दीजिए बीच में, और इनमें से आप लोग कोई भी इफेक्ट डाल दीजिए। सबसे इफेक्ट ये चल रहा है जूम वाला, तो इनमें से जूम में से कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। बाकी का आप लोग को कोई और इफेक्ट अच्छा लगता है तो दूसरा भी इफेक्ट आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये एक जूम वाला इफेक्ट है, तो मैं यही ले लेता हूँ। नीचे ड्यूरेशन इसकी बढ़ा देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ने पर राइट कीजिए। और ये जो आप लोग फर्स्ट क्लिप है ये मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि छोटी हो जाती है जब इफेक्ट डालते हैं, तो ये बढ़ा देता हूँ। और ये यहाँ पे इफेक्ट मेरा बढ़ चुका है और इफेक्ट लग चुका है। अब ये थोड़ा ज़्यादा बड़ी होगी, छोटी करूँगा। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा बैक चला गया, मैं फिर से लेके आता हूँ वापस से, अंडू करके ये आ चुकी है। अब ये जो आप लोग की ऑडियो के बराबर आप लोग को पीछे वाली लेयर को रखना होगा और छोटा कर देना है इसको, ठीक है। अब इतना काम हो चुका है आप लोग का। अब ये मैं वीडियो प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं हमारी कुछ इस तरीके से भी बन चुकी है। तो अभी आगे की क्लिप में मुझे इफेक्ट डालने हैं। नीचे आप लोग यहाँ पे FX का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक कीजिए, एक ब्लैक और वाइट इफेक्ट मिल जाता है। ब्लैक में ये है, वाइट वाला ये है। तो सेकंड वाला जो वाइट इफेक्ट है यहाँ पे, जो सेकंड आ रहा है यहाँ पे, सेकंड वाले क्लिक कीजिए, लेयर को खिसका दीजिए आगे, और ये आप लोग की पूरी लेयर में नहीं होती है, राइट कीजिए और इस पार्ट को बीच से पहले कट कर लीजिए स्प्लिट करके। अब सेलेक्ट कीजिए सेकंड पार्ट को, FX पे क्लिक कीजिए, अब इसका इफेक्ट बढ़ा दीजिए। अब आप लोग वीडियो प्ले करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी ये एक्सपोर्ट होने का सही होगा, अब मेरा वीडियो प्ले होता है तो आप लोग देख सकते हैं ये इफेक्ट कुछ इस तरीके से चलेगा और ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग की वीडियो जो है रेडी हो चुकी है। इस वीडियो को आप लोग को एक्सपोर्ट करना है, एरो का आइकन आ रहा है ऊपर, वहाँ क्लिक करेंगे, क्वालिटी वगैरह और रेजोल्यूशन सेलेक्ट करके राइट कर दीजिए। ये वीडियो आप लोग की एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो गाइस इस तरीके से आप लोग टिफी इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। सो आई होप आप लोग को यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना होगा। सो आई होप आप लोग जान चुके होंगे कि टिफी इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो कैसे बनाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को टिफी इफेक्ट स्टेटस वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत है, परेशानी आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग की रिप्लाई जरूर से कर दूंगा। सो गाइस फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।